रीवा ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने नेशनल ब्यूटीशियन डे मनाया। 26 जून को पूरे देश में ब्यूटीशियन अपना दिवस मनाती हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रीवा में, जहां पर फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन डे मनाकर ब्यूटीशियनों ने एक दूसरे को दी बधाई। रीवा ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने नेशनल ब्यूटीशियन डे मनाया। 26 जून को पूरे देश में ब्यूटीशियन अपना दिवस मनाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ रीवा में, जहां पर फ्रेश लुक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटीशियन डे मनाकर ब्यूटीशियन ने एक दूसरे को बधाई दी। ब्यूटीशियनों का कहना था, डॉक्टर डे हो सकता है, इंजीनियर डे हो सकता है, तो ब्यूटीशियन डे क्यों नहीं। हम महिलाएं इस क्षेत्र में काफ़ी आगे जाना चाहती हैं, वहां तक हम जाके दिखाएंगे जहां तक अभी कोई ना पहुंचा होगा। सबने वहां तक पहुंचने की केवल कल्पना ही की होगी। महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। हमारी टीम ने ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन के तत्वाधान में मनाए जा रहे ब्यूटीशियन डे में पहुंचकर कुछ ब्यूटीशियन से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन आज अपना दिन मना रहा। अपना दिन का सीधा सा मतलब है, ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन अगर अपना दिन मना रहा है तो इसका सीधा सा अर्थ है ब्यूटीशियन डे। आज 26 जून है, 26 जून को ब्यूटीशियंस, रीवा की ब्यूटीशियंस यहाँ पर एकत्र हैं और अपना दिन मना रही हैं, एक दूसरे को बधाई दे रही हैं, खुशियाँ बांट रही हैं। हम ब्यूटीशियन डे के बारे में इन्हीं लोगों से बात करते हैं, क्यों मना रही हैं, किस तरीके से आप सेलिब्रेट कर रही हैं अपना ब्यूटीशियन डे। इसी तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे को बात करें। जैसे कि ये लड़की अब आपको दिखाई दे रही होगी, अभी मेकअप की बात हो रही थी, ये लड़की बैठी हुई है, इसका मेकअप किया इन लोगों ने, एक नए तरीके से मेकअप सीखा और बधाई हुई। सबसे पहले तो इसी लड़की से, क्या नाम है बेटा और बताइए आप लोगों ने किस तरीके से मनाया। जी मेरा नाम चार शुक्ला है। जैसे हम लोग डॉक्टर डे, इंजीनियर डे बनाते, वैसे हम लोग मिलकर के आज ब्यूटीशियन डे बना रहे हैं। सारे डॉक्टर्स डे मनाते हैं, तरीके अलग अलग दिन लोग मनाते हैं और आज हम लोग एक बार फिर से ब्यूटीशियन डे मना रहे हैं। बताइए बैठ के बैठ के। सर हम ब्यूटीशियन डे से मना रहे हैं, हम उस फील्ड में हैं, जैसे अदर लोग अपने अपने फील्ड के लोग सब अपना अपना डे मनाते हैं, वैसे ही हम ब्यूटीशियन डे मना रहे हैं और आज मैम के माध्यम से हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और एक ग्रुप में एक पार्टी कर रहे हैं और ब्यूटीशियन डे मना रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। पार्टी कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और उनको एक दूसरे को बधाई दे के हम ब्यूटीशियन डे मना रहे हैं। क्या नाम है और किस तरीके से आपने सेलिब्रेट किया। ब्यूटीशियन डे के दिन हम कुछ नया भी कर रहे हैं, नया मेकअप भी सीख रहे हैं। यहाँ बहुत सारी ब्यूटीशियन, आप कुछ बोलना चाहेंगे। हाँ बताइए। कला को उभारने के लिए मैडम ने आज का दिन चुना था, निःशुल्क रूप से एक नया मेकअप किया था। जैसा कि लड़की आपको एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, एक नए तरीके से मेकअप करके आज इन लोगों ने मेकअप को सेलिब्रेट किया। एक यहाँ पर एक नया मेकअप होने जा रहा है, अभी इस पर कुछ नहीं हुआ है। क्या किस तरीके से आप लोग मेकअप करके या किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आप ये बताइए, जिस तरीके से आज आप लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग दिन के चुन रखे थे मेकअप के लिए, या अलग कोई डॉक्टर डे मना रहा था, कोई इंजीनियर डे मना रहा था, आज एक ब्यूटीशियन डे है, तो आज ब्यूटीशियन डे आपने किस तरीके से मनाया। सर मैंने ब्यूटीशियन डे आज मनाया है कि जितनी भी मेरी प्यारी प्यारी ब्यूटीशियंस हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, हम लोग अपडेट करके अपने आप को और आगे बढ़ने की कोशिश करें और कदम से कदम मिलाकर चलें, बस यही। कदम से कदम मिलाकर चलें। यहाँ पर जितनी ब्यूटीशियन है सबका साफ तौर से ये कहना है कि हम लोग सारे लोग अपना अपना दिन तो मनाते हैं, हम लोग भी 26 जून को अपना दिन मना रहे हैं, ब्यूटीशियन डे मना रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, साथ ही अलग अलग तरीके से एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। ब्यूटीशियन डे के साथ एक तरीके से, जिस तरीके से रीवा में पहली बार ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन ने ब्यूटीशियन डे मनाया है, ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब ये ब्यूटीशियन आगे किस तरीके से
आज के मेकअप के सीखने के बाद किस तरीके से अपने घर पर, अपने पार्लर पर अपनी कला को निखारेंगी, इस पर भी हम जरूर नज़र बना कर रखेंगे, हमारी टीम नज़र बना कर रखेगी, और जो भी ताज़े अपडेट होंगे वो भी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज इन लोगों ने और भी क्या किया था इस पर भी हमें, हमारी टीम की नज़र रहेगी। अब अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त।